हेलो गाइस, वेलकम इन वीपी कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे राजस्थान सीएचओ के एग्ज़ाम डेट को लेकर, कई दिनों से काफ़ी कंफ्यूजन चल रही थी और कई चीज़ें वायरल चल रही थी, तो अब उसमें ऑफिशियली आपके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। पहले इस एग्ज़ाम डेट को 11 अक्टूबर किया गया था, उसके बाद 18 अक्टूबर इसको पोस्टपोन किया गया और अब फाइनली आपके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और ये एग्ज़ाम आपका 25 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया जाएगा और ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियली है जो 17-10-2020 का है, जिसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय जयपुर को ये पत्र लिखा गया है, जिसमें संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा से रिलेटेड ये लिखा गया है। तो देखते हैं इसको। उपरोक्त विषय अंतर्गत 25 अक्टूबर 2020 रविवार को संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा जयपुर मुख्यालय में करा जाना प्रस्तावित है। तो ये आपको पता लग ही गया होगा, एग्ज़ाम डेट 25 अक्टूबर 2020 को फाइनल है। अगर अभी तक आपने तैयारी सीरियस तरीके से नहीं किए तो अभी 8 दिन है, 8 दिन भी बहुत होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम है, ऐसा नॉर्थ सेट दिल्ली एम्स जैसा पेपर तो आएगा नहीं, तो उसी लेवल से आपको तैयारी करनी है, लेवल मेंटेन रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप नॉर्थ सेट में जिस तरीके से तैयारी करी थी उसके लेवल की पढ़ के जाओ तो वो भी आपके ज़्यादा काम आएगी नहीं। तो राजस्थान सीएचओ से रिलेटेड जिस तरीके से प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ अन्य योजनाएं जो भी होती है गवर्नमेंट की, जो हेल्थ कमीशन की योजनाएं होती हैं उनके आती है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो वैसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें। आगे देखते हैं। इस क्रम में जयपुर ज़िले में स्थित समस्त विद्यालयों की सूची, जिसमें कोविड-19 की परिस्थितियों में परीक्षा आयोजित कराने हेतु जारी गाइडलाइंस के अनुसार कमरेवाइज अभ्यर्थियों को बिठाने हेतु व्यवस्था तथा संबंधित संस्था को कोऑर्डिनेटर का नाम और मोबाइल के जरिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। तो ये था पूरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, जिसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पत्र लिखा गया था। और तो इसमें अब एग्ज़ाम डेट फाइनली ऑफिशियली है ये कि 25 अक्टूबर को होगा, और चाहे आप राजस्थान के किसी भी ज़िले से संबंधित हो, आपके लोकल ज़िलों में आपको एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिलेगा, आपके सभी के एग्ज़ाम सेंटर जयपुर में ही हैं, चाहे आप जोधपुर के हो, चाहे आप जैसलमेर के हो, चाहे आप बाड़मेर के हो, चाहे आप बीकानेर के हो, कहीं से भी हो, आपके सभी का एग्ज़ाम जयपुर ज़िले के अंदर ही होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम के अब 7-8 दिन आपके पास बचे हैं, तो अब आप जितना ज़्यादा इनको यूज कर सकते हो उतना ज़्यादा इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस रखें, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और हमारे इस वीपी कॉन्सेप्ट पे भी कई वीडियो डाल रखे हैं आपके सीएचओ के, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पे भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट्स करके आप बताएं, ताकि हमको आइडिया लगे कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है और किस तरह का आपको चाहिए। तो ये वीडियो अब मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, जिसमें जब पूरी दुनिया को लगे कि हारता है, बस वही मौका होता है ज़िंदगी में असली कर्तव्य दिखाने का। तो आपके पास भी सेम सिचुएशन है, अगर किसी को लगता है कि आपका सिलेक्शन मुश्किल है इस बार, तो अभी 8 दिन और बचे हैं और इतना कोई टफ लेवल का पेपर आएगा नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग अभी भी आप जी जान लगा के कोशिश करोगे तो आप तो 8-10 दिन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, सभी अच्छे से तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जावे, यही हमारी बेस्ट शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।